कालीपोंग से कोई कोई आया कि नहीं आया है? कौन कौन आया, हाथ उठाओ। एक दो तीन चार पांच छह सात, सात आठ लोग आए। निकले कितने हैं? भट्टी कितने लोगों ने किए है? सौ लोगों ने, पच्चीस लोगों ने किए, चौदह लोगों ने भट्टी की। अच्छा, और सात आए। अच्छा, वहां भूकंप थोड़ा हुआ था क्या है? अच्छा, ज्यादा भूकंप नहीं हुआ। अच्छा, हाँ जी, सिक्किम में क्लास कितने दिनों के बाद हो रहा है? है एक साल के बाद, एक महीना आगे, एक महीना और ज्यादा हो गया, कम 11 महीने हुए। अच्छा, इस बार भी हुकुम नहीं आते तो बार नहीं आते माने बार बार भूकंप आना चाहिए तो बार बार बाबा आएंगे। और बाबा ने मुरली में कहा है, आचार्य रजनीश ने कहा, आचार्य रजनीश, आचार्य रजनीश ने कहा, भोग से योग की समाधि लगाओ। ये तो शंकर जैसा पुरुषार्थ हो गया है, तो तुमको शंकर जैसा पुरुषार्थ नहीं करना है। और क्या, शंकर को थोड़ी फॉलो करना है, शंकर का पार्ट अलग। शंकर में तो परमानेंट शिव बाबा प्रवेश करता है, तो शंकर का जो पार्ट है वो पार्ट तो सबसे अलग है। शंकर को फॉलो करेंगे और हमारे में शिव बाबा तो प्रवेश करता नहीं है परमानेंटली, तो हमारी इंद्रियां कंट्रोल से बाहर रहेंगी या कंट्रोल में आ जाएंगी है? इंद्रियां तो पूरी कंट्रोल से बाहर हो जाएंगी, क्योंकि शिव बाबा कंट्रोलर के रूप में तो परमानेंटली हमारे में प्रवेश है नहीं। शंकर की तो बात अलग है, शंकर तो शिव बाबा का बड़ा बच्चा है, ब्रह्मा विष्णु शंकर कहते हैं, देव देव महादेव कहते हैं। ब्रह्मा देवताई नमः, विष्णु देवताई नमः, फिर इन दोनों देवताओं से बड़ा देवता कौन? महादेव शंकर कहते हैं। क्यों कहते हैं महादेव, क्यों कहते हैं? हाँ, क्योंकि जितने भी सतयुग में देवताएं हैं उन सभी सतयुग में जन्म लेने वाले देवताओं का पूर्वज है। और हनुमान कौन है? हनुमान बोलते अमर है, हनुमान का हनुमान कौन है? हनुमान अमर है, वो आप दुनियावी नॉलेज के आधार पर कहते हैं कि ज्ञान के आधार पर कहते हैं? सीढ़ी क्षेत्र में हनुमान अमर है या कलयुग से पूजा हो रही है? सीढ़ी क्षेत्र में देखो पूजा कहाँ से हो रही है, कलयुग से पूजा हो रही है, तो अमर कहाँ होगा? जो अमर होगा उसकी तो भक्ति मार्ग की शुरुआत से ही पूजा होगी, लक्ष्मी नारायण की पूजा शुरुआत से होती है, शंकर पार्वती की पूजा शुरुआत से होती है, शिव बाबा की पूजा शुरुआत से होती है, उनको अमरनाथ कहा जाता है। और हनुमान जो है अभी वो किसका तीन का गायन है? और हनुमान उसका गायन है जिसने लंका में आग लगाई थी। लंका बड़े बड़े आदमियों की नगरी थी या गरीब आदमियों की नगरी थी? बड़े बड़े आदमियों की नगरी थी। उस बड़े बड़े आदमियों की नगरी में हनुमान ने अपनी पूंछ से आग लगाई। पूंछ किसको कहा जाता है? देह अभिमानी की पूंछ है। देह अभिमानी की पूंछ में लगन न पाई आग,
लंका सारी जर गई या गए निशाचर भाग। ये देह अभिमानी की पूछ जो है वो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को बढ़ाने वाली है या घटाने वाली है? बढ़ाने वाली है। वो देह अभिमानी की पूछ में रावण की लंका के जितने भी वस्त्र थे सुंदर सुंदर वो सारे ही उस देह अभिमानी की पूछ में लपेट दिए गए। और तेल डाल दिया गया। तेल शुद्ध होता है या घी शुद्ध चीज होती है? घृत शुद्ध चीज होती है। माने आप व्यभिचारी याद को कहा जाता है घृत और व्यभिचारी अनरिफाइंड तेल को कहा जाता है तेल व्यभिचारी याद। तो रावण की लंका में व्यभिचार चलता था या एक शिव बाबा को याद करने वाले थे? व्यभिचार चलता था। तो व्यभिचार रूपी जो तेल है अज्ञान रूपी जो तेल है वो सारा तेल उसमें डाल दिया कपड़ों और फिर उसमें काम विकार की आग लगा दी पूंछ में। तो पूंछ जोर से जलेगी या आग को बढ़ाएगी या घटाएगी? और ही आग को बढ़ाएगी। बढ़ाते बढ़ाते सारी लंका जल गई। लंका के जितने बड़े बड़े आदमी उनके दिल जल गए। बड़े बड़े आदमियों की लड़कियां बहनें और बेटियां भाग भाग करके चली गई देह अभिमान की पूंछ में लिपटने के लिए। तो बड़े बड़े आदमियों के दिल जलेंगे या खुश होंगे? जले, भले जले लेकिन कुछ बिगाड़ पाए क्या? कुछ नहीं बिगाड़ पाए। तो वो कौन सा ऐसा व्यक्तित्व है जिसकी देह अभिमानी की पूंछ में 16108 आकर की गिरती है? 16108 कपड़े बांध दिए जाते हैं और उन बड़े बड़े आदमियों को आग लगती है। शंकर का ही तो पार्ट है। जो शंकर का पार्ट है उसमें कौन सी आत्मा प्रवेश है जो हनुमान का पार्ट बजाती है? हैं? ब्रह्म वाली आत्मा शिव हम अपने को समझती है, भगवान समझती है कि मैं ही भगवान हूं, गीता का भगवान, मैं पतितों को पावन बनाने वाला हूं। तो जो अपन को पतितों को पावन बनाने वाला समझेगा वो देह अभिमान बढ़ाएगा या घटाएगा? देह अभिमान बढ़ाने वाली आत्मा है। महाभारत में उनका नाम दिया है बलराम। उनको कौन सा शस्त्र दिखाया है? हल दिखाया है। हल कोई दूसरी चीज थोड़ा ही है, धरणी को चीरने वाला हल दिखाया है। यह हल चलाना, पूंछ चलाना, यह हनुमान का काम है। और है? जो जो आत्मा है रोल करते हैं, सपोज मेरा जो रोल है जो पूरा 5000 में मैं जो जो एक्ट करके आया हूँ 84 जन्मों में, तो वो कैसे स्मरण आया कि हाँ मैं ये सो करके आया हूँ? पत्ते में टिकेंगे, पत्ते की स्मृति में रहेंगे तो सारा वृक्ष याद आएगा। ये बीज की स्मृति में रहेंगे तो उसमें सारा वृक्ष याद आ जाएगा। तो बीज रूपी स्टेज में टिको, विस्तार अपने आप हो जाएगा। क्योंकि जितनी सूक्ष्म स्टेज बनेगी उतना मन बुद्धि ज्यादा विस्तार में जाएगी। तुम रोकना चाहो तो भी नहीं रुकेगी, ज्यादा गहराई में जाएगी। इसलिए सहज तरीका बोला है सेवा में रहो। सेवा में रहेंगे तो शिव बाबा हमको याद करेंगे। शिव बाबा को याद करना सहज है या कठिन है? शिव बाबा को तो बहुत सहज है, वो तो है ही आत्मा। हम अपन को आत्मा नहीं समझ पाते हैं। सवेरे को उठते हैं बड़ा देवान आता है, नींद आती है,
लेकिन शिव बाबा को नींद आती है क्या? हाँ, उनको तो नींद का सवाल ही नहीं। तो वो जब हमको याद करेंगे, उनके संग का रंग हमको बुद्धि का मिलेगा, तो ऑटोमेटिक हमको याद आएगी। बीज रूप स्टेज हमारी बनेगी। बीज के संग से हम क्या बनेंगे? बीज बनेंगे। और जब बीज सूक्ष्म होता है, छोटा होता है या बड़ा होता है? छोटा होता है। तो जितना हम बीज रूप सूक्ष्म स्टेज में टिकेंगे, तो हमारा मनन चिंतन मंथन भी सूक्ष्म चलेगा या स्थूल रूप क्या चलेगा? सूक्ष्म मनन चिंतन मंथन चलेगा। जितने ही हम सूक्ष्मता में जाएंगे, उतना ही हमें पता लग जाएगा अपने 84 जन्मों का। बाप के नजदीक होते जाएंगे तो अपने जन्मों का पहले जब पता चलेगा, जो बाप से दूर होंगे उनको अपने जन्मों का बाद में पता चलेगा। तो पहले पहले अपने 84 जन्मों का किसको पता चलेगा? जो पहले पहले बीज रूप स्टेज में स्थिर होगा। क्यों स्थिर होगा? जरूर सेवा में सारा जीवन ज्यादा दिया होगा। जो ज्यादा सारा जीवन सेवा में लगेगा, तो शिव बाबा उस बच्चे को जास्ती याद करते हैं। शिव बाबा जिन बच्चों को जास्ती याद करते हैं, उनको तो याद की बहुत पावर मिल जाती है। निराकारी स्टेज में टिकने में उनको ज्यादा कठिनाई नहीं होती। फिर 84 जन्मों का विस्तार भी हो जाएगा। और हम जो 63 जन्म से आए हैं, देह विकार देह विहार में आए हैं, हम तो प्रैक्टिस नहीं किए थे कि मैं देह हूँ मैं देह हूँ तो प्रैक्टिस नहीं किए, तो ऑटोमेटिक प्रैक्टिस नहीं की। देह की इंद्रियों से सुख नहीं भोगा, व्यस्त इंद्रियों से, तो फिर ये प्रैक्टिस नहीं हुई। सुख भोगा कोई बिना इंद्रियों के सुख भोग लिया? तो इंद्रिया देह नहीं है। इंद्रिया देह है तो बस ऐसे क्यों कहते हैं हमने देह का सुख भोगा नहीं, प्रैक्टिस नहीं की, और ये हमने तो ऐसा कुछ किया नहीं। हम ही ने तो किया, लेकिन वो जैसे स्वतः होके आके हम नीचे गिरे हैं, तो आत्मा स्वतः होके हम ऐसे होता है क्यों नहीं? हम आत्मा है, स्वतः कहाँ गिरे? हमारी इच्छा नहीं हुई कि हम सुख भोगे इंद्रियों का? सबका तो इच्छा। तो फिर ऐसे ही इच्छा करो कि अब हम आत्मिक स्टेज में पहुंच जाए, अतीन्द्रिय सुख भोग करने से ही होगा, अपने आप थोड़ा ही हो जाएगा। बुद्धि में ज्ञान तो बैठ गया ना कि अब ये दुनिया पलटने वाली है। पलटाने के लिए भगवान भी ऊपर से नीचे आ गया। सुनते ज्यादा टाइम नहीं रहता है, 2-3 मिनट ही रहता है, 2 मिनट ही बहुत काफी, 1 दिन में 2-3 मिनट बहुत कष्ट में रहता है। गीता में तो लिखा है स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इस आत्मिक स्मृति का थोड़ा सा भी अभ्यास दुनिया के बड़े से बड़े भय से भी दूर, भय को भी दूर भगा देगा। अगर अमृत वेले हमने थोड़ा भी अभ्यास किया कि मैं आत्मा हूँ, स्टार हूँ, खाली स्टार में भी इतना मजा नहीं आता। खाली स्टार में पहले अपनी आत्मा को स्टार नहीं समझेंगे तो क्या देह समझे? उसमें मजा आएगा? स्टार के साथ साथ देह भी समझते जाएं? नहीं, स्टार का स्टार ही है, देह भी है। नहीं, तुम वास्तव में देह हो कि स्टार हो? मैं स्टार हूँ, लेकिन देह तो। लेकिन सदाकाल क्या हो? सदाकाल आत्मा। फिर जो सदाकाल है, जो सदाकाल चीज है, वो सच्ची है? जो कभी है कभी नहीं है वो सच्ची है? आज नहीं तो कल फिर मिल जाएगा ना। है आत्मा का आज नहीं तो कल, ये नहीं तो दूसरा मिल जाएगा। क्या शरीर मिल जाएगा? फिर क्या मिल जाएगा? आत्मा तो सत्य है, आत्मा तो मैं हूँ। आत्मा मैं हूँ तो जो मैं हूँ उस सत्य को ही याद करना है। वो टिकता नहीं हमारे, इसीलिए नहीं टिकता है कि 63 जन्मों का अभ्यास पड़ा हुआ है। 63 जन्मों का अभ्यास अब हम आत्मिक अभ्यास में बदल दें। आत्मिक अभ्यास में हम बदलेंगे तो क्यों नहीं होगा?
अंग्रेजी में तो कहा है प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, गलत बात है। तो फिर आधा घंटा बैठते हैं तो 5 मिनट रहते, ठीक है, जब आधा घंटा बैठते हैं 5 मिनट रहती है, 1 घंटा बैठेंगे फिर और बढ़ाएंगे तो 5 मिनट से 10 मिनट भी हो जाएगा। 5 मिनट क्या एकदम हो गया था? वो भी तो बढ़ते बढ़ते 5 मिनट हुआ ना। तो जैसे छोटा पौधा होता है उसको बढ़ने में टाइम ज्यादा लगता है, उसको हवा ज्यादा लगती है, उसकी जड़ें कम मजबूत होती हैं। जैसे ही पौधा बड़ा होता जाता है उसकी जड़ें गहरी होती जाती है, उसके पत्ते जो हैं इतने बढ़ते हैं कि दिन दूने रात चौगुने बढ़ते हैं। पहले 2 पत्ते से 4 पत्ते बनेंगे, 4 से 8 बनेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन होता जाता है या नहीं होता है? तो ऐसे ही पुरुषार्थ की भी बात है। अभी शुरू शुरुआत में टाइम ज्यादा लगता है, मकान बनाएंगे पहली मंजिल बनाने में ज्यादा टाइम लगता है कि 100वीं मंजिल जो आखिरी मंजिल है 100वीं मार की, वो बनाने में ज्यादा टाइम लगेगा? पहली मंजिल बनाने में ज्यादा टाइम लगता है। तो ये फाउंडेशन है, इसमें घबराने की बात नहीं है कि नहीं हो पा रहा है। जब 1 मिनट से 1 सेकंड से बढ़कर के 5 मिनट तक हो गया तो 5 घंटे भी हो सकता है, 8 घंटे भी हो जाएगा। 2 साल 3 साल 2 मिनट में नहीं आया? 2 साल 3 साल तुम लगा रहे, जो 70 साल से चल रहे हैं उनको नहीं देखा? सत्तर साल से चलने वाले हैं कि नहीं ज्ञान में? फिर कोई तुमसे भी ज्यादा पीछे है न मानो, देख आओ बेसिक में। ऐसी दीदी दादियां पड़ी हुई जिनको अभी भी प्रश्न पैदा होता है, हम अपने को आत्मा कैसे समझें, आत्मिक स्मृति में कैसे रहें, अभी भी उनका ये प्रश्न चल रहा है। मुरली में भी बोला हुआ है आत्मा रूपी सुई की सारी कट उतरने पर तुम डायरेक्ट बाप से सीखोगे। तो तुम्हारी बेसिकली कट उतरी है या बेसिक वालों की बेसिकली कट उतरी है? अरे आत्मा की बेसिकली कट तुम्हारी उतरी या बेसिक वालों की उतरी? हमारी उतरी। तो आगे बढ़े हो कि पीछे हटे? नहीं, सेटिस्फाई नहीं लगता है ना, सेटिस्फाई नहीं लगता है कि हम इतना क्यों नहीं होता है। पता नहीं जब लिखते कितना आत्मस्थित में रहा, वो लिखने टाइम में हम पुरुषार्थ से सेटिस्फाई होना अच्छा है या पुरुषार्थ में सेटिस्फाई न होना अच्छा है? न होना अच्छा है। अभी हम और आगे बढ़े, जब तक हम संपन्न न हो तब तक हमें ऐसे ही लगा रहे अरे हम तो पुरुषार्थ पूरा नहीं कर पा रहे, जल्दी हो जाए। हाँ तो ऐसे ही है, ये अच्छी बात है, आगे बढ़ना है। पुरुषार्थ में रुकना थोड़ा ही कि हमारा पुरुषार्थ पूरा हो गया हम सेटिस्फाइड हो गए। और बाबा मंदिर में जो रथ यात्रा होता है, है? रथ माने क्या है? शरीर रूपी रथ। तो सारे जगत का जो नाथ बनता होगा उसका अपना रथ होगा या नहीं है? रथ होगा ना, उस रथ को धक्का दे दे करके आगे बढ़ाते हैं कि अपने आप आगे बढ़ जाता है? हैं? आगे भी बढ़ाते हैं और गालियां भी देते जाते हैं कि नहीं? हाँ तो ग्लानी हो रही कि नहीं, गालियां मिल रही कि नहीं मिल रही है? रथ आगे बढ़ रहा है कि पीछे हट रहा है? आगे बढ़ रहा है। वो तो जगन्नाथ की बात हो गई। छोटे मोटे शहरों में भी रथ यात्रा निकालते हैं, उस रथ में ट्रक में जहां जिनको रथ नहीं मिलते हैं वो ट्रक में वेद शास्त्र भर देते हैं, वेद शास्त्र भर के रथ को उस ट्रक को परिक्रमा दिलाते हैं। कहां की यादगार है? ये ज्ञान का भंडार है, जो ज्ञान का भंडार समूचे शहरों में चक्कर काटता रहता है उसकी यादगार उन्होंने भक्ति मार्ग में बना दिए। और
बाबा वो क्राइस्ट वाले जो है ना, जिसने भी उन लोगों को ज्ञान सुना तो वो लोग बोलते नहीं हमारे जीसस आएंगे तो तभी अभी नहीं आएंगे, और उनको जो सूली पे तराते हैं बोलते हैं ना, क्या सोचू सूली पे तराइए संगमी की किस समय मतलब वो किस। आप एक एक करके बात पूछेंगे, सारी इकट्ठी पूछेंगे। जितने भी मतलब आप एक बात तो पहले हल कर लीजिए, क्रिश्चियंस लोग हैं वो आपकी बात जब सुनते हैं तो कहते हैं कि अभी क्राइस्ट नहीं आया है, जब आएगा तो हम सुनेंगे ज्ञान को। इसका मतलब ये हुआ कि मुरली में भी बाबा ने बोला है जो जिस धर्म का होगा वो उसी की बात मानेगा, तो क्रिश्चियन धर्म का होगा तो किसकी बात मानेगा, क्राइस्ट की ही बात मानेगा, और क्राइस्ट वाली आत्मा अभी आ जाएगी या उसका 2500 वर्ष का जिनका पार्ट बच चुका होगा उसके बाद आएगी। 2500 पार्ट बचता है 10 करोड़ आत्माओं का, तो 10 करोड़ आत्माएं अभी ज्ञान में आ गई हैं, अभी वो ही ज्ञान में नहीं आई हैं, तो क्राइस्ट कहां से आ जाएगा। क्राइस्ट तो और भी 500 साल के बाद ज्ञान में आता है, वो इस सृष्टि पर उतरता है। क्राइस्ट जो है 2500 साल के बाद आता है कि 3000 साल सृष्टि के बीत जाते हैं तब आता है। 3000 साल सृष्टि के जब बीत जाते हैं, 2500 साल में 10 करोड़ आत्माएं नीचे उतरती हैं, फिर 500 साल और गुजर जाते हैं द्वापर युग के, तब वो क्राइस्ट आता है। पवित्रता की बात थी, पवित्रता के लिए उनको सूली पर चढ़ा दिया गया, नहीं समझे तो सूली पर चढ़ा दिया। यहाँ फिर यहाँ की बात है, यहाँ यहाँ ये याद की सूली है, चढ़ जाओ ऊपर, देह अभिमान मत भोगो, देह भान के सुख मत भोगो, याद की यात्रा में ऊपर चढ़ लटक जाओ, लटके ही रहो, नीचे न उतरो। और मुरली में बोला गया है कि कृष्ण के माँ बाप का पूजा नहीं होता, फिर वो लक्ष्मी नारायण का पूजा होता है। हाँ, जो संगम की कृष्ण की बात है या सतयुग की कृष्ण की बात है, सतयुग के कृष्ण की बात है। भक्ति मार्ग में जो गायन पूजन यादगार हो रहे हैं वो सतयुग त्रेता में जन्म लेने वालों के हो रहे हैं या संगम युग में जिन्होंने पार्ट बजाया उनके हो रहे हैं। संगम युग में जिन्होंने पार्ट बजाया उनके हो रहे हैं। तो संगम युग में जो ब्रह्मा वाली आत्मा है वो तो सतयुग में जन्म लेगी, जो सतयुग में जन्म लेगी उनका गायन पूजन यादगार की बात थोड़ी है, उनकी पूजा की बात थोड़ी है। ये तो संगम युगी कृष्ण है, और संगम युगी कृष्ण को जिन्होंने प्रत्यक्षता रूपी जन्म दिया उनका इतना गायन पूजन यादगार नहीं है। संगम युगी कृष्ण कौन है, राम वाली आत्मा के थ्रू कृष्ण वाली आत्मा प्रवेश करके पार्ट बजाती है, संपन्न बनती है, तो नाम जो है वो शरीर का पड़ता है या आत्मा का पड़ता है, शरीर का नाम पड़ता है कृष्ण। तो संगम युगी कृष्ण की बात है, जो संगम युगी कृष्ण है उसको प्रत्यक्ष करने वाले वो आत्माएं हैं जिन्होंने कर्नाटक में जाकर के ये ज्ञान का एडवांस का बीज बोया था जाकर। क्या प्रजापिता वाली आत्मा से सारा एडवांस ज्ञान सुना और भारत के विदेश में जाकर के सारा ज्ञान का बीज बोया, और वहां से ढेर की ढेर आत्माएं विदेश से आना शुरू हो गई दक्षिण भारत से। तो संसार में प्रत्यक्ष किया या नहीं किया, वो आत्माएं संसार में प्रत्यक्ष कराने के निमित्त बन गई, परंतु उनका उतना गायन पूजन यादगार नहीं है क्योंकि उन्होंने पवित्रता का पालन नहीं किया, पवित्रता के लिए कोई जिम्मेवारी का ताज नहीं उठाया, धारण नहीं किया। जो कृष्ण वाली आत्मा है वो पवित्रता की गहराई को समझती है और पवित्रता का ताज धारण करती है। और लक्ष्मी नारायण का पाठ कब प्रत्यक्ष होगा, मुरली में तो बोला था
इन लक्ष्मी नारायण का जन्म कब हुआ? आज से 10 वर्ष कम 5000 वर्ष हुआ, 66 की मुरली थी, तो कब प्रत्यक्ष हुआ? तो आप क्यों पूछते हैं कि प्रत्यक्ष कब होगा? इसका मतलब आपको प्रत्यक्ष नहीं हुआ। लक्ष्मी नारायण कौन बनने वाले हैं ये बात आपको प्रत्यक्ष नहीं हुई है? हो गई तो ये क्यों कहते हो कब होगा? दुनिया में कब हो? दुनिया दुनिया वाले तो लक्ष्य को तब पहचानेंगे जब ईश्वर संसार में प्रत्यक्ष हो जाएगा। अभी भगवान प्रत्यक्ष हो गया है क्या? नहीं, भगवान का तो विरोध है फादर सोर्स सन्स। भगवान तो 108 बच्चों को प्रत्यक्ष करने के बाद प्रत्यक्ष होगा कि पहले प्रत्यक्ष हो जाएगा? पहले बच्चों को प्रत्यक्ष करता है, फिर खुद प्रत्यक्ष होता है। और भगवान को कलंक का अवतार लेने का जरूरी है? कलंक नहीं लगेंगे तो जो 63 जन्म के हिसाब किताब है प्रजापिता के ऊपर वो कैसे कटेंगे? और सबसे बड़ा राजा बनता है या छोटा मोटा राजा बनता है? तो बड़े बड़े राजाओं ने ज्यादा पाप किए हैं या कम किए हैं? तो सबसे बड़ा दुनिया का पापी कौन है? राम बली आत्मा। रामायण में भी लिखा है, तुलसीदास ने मालूम क्या लिख दिया है? मैं पतितन को राजा। क्या दुनिया में जितने बड़े बड़े पतित हैं उन पतितों का राजा में, तो सबसे बड़ा पतित कौन हुआ? जो राम वाली आत्मा सबसे ज्यादा पतित हो गई। तो जो सबसे जास्ती पतित है उसका पुरुषार्थ पूरा होने में अड़चन आएगी ज्यादा कि नहीं आएगी? तो ग्लानी सबसे जास्ती होनी चाहिए या कम होनी चाहिए? कृष्ण काला होता है तब उसको कलंक लगते हैं कि जब गोरा बन जाता है तब कलंक लगते हैं? मुरली में यही तो बोला है, कृष्ण काला है तो उसको कलंक भी लगते हैं, कृष्ण गोरा है तो कलंक की बात ही नहीं। और तुलसीदास जब रामायण लिखे उस टाइम वो स्मृति कहाँ आया कि हाँ ये राम होगा, ये ऐसा जंगल होगा, सीता चोरी होगी, ये जो भावना है जो है वो स्मृति कहाँ आए? संगम में सबसे ज्यादा ज्ञान कौन उठाता है? तो सबसे ज्यादा अज्ञान कौन उठाएगा? द्वापर कलयुग में वही आत्मा सबसे ज्यादा अज्ञानी बनाने के निमित्त बन जाती है। राम भगवान हो गए, कृष्ण वाली आत्मा निमित्त बन जाती, कृष्ण भगवान हो गए, ये अज्ञान हुआ या ज्ञान हुआ? राम कृष्ण भगवान है या देवता है? हैं? वो तो देवता है, देवता को भगवान बना दिया। अब भगवान अनेक है या एक है? देख सारे भगवान बना दिए। जो हमारे आसपास हम जहाँ पे काम करते हैं, हम जिस संघ में मिलते हैं, वो ज्ञान में सुनने के लिए वो इंटरेस्ट नहीं है कुछ है, अगर बोलेंगे तो दूसरा कुछ बोलते हैं, मतलब उसको नेगेटिव उठाते हैं, हमको अच्छा नहीं लगता। तो इन आत्मा को हम कैसे सेवा करें? आपने उन्हें संदेश तो दे दिया कि एटम बम बन चुके हैं, ये हमारे घर की सजावट के लिए नहीं बने हैं। जब से भगवान आया तब से ये एटम बम भी बने। 100 साल पहले ना भगवानों का नाम निशान था दुनिया में, ये भगवान वो भगवान, आसाराम बापू भगवान, वो भगवान वो भगवान, मुरारी बापू भगवान, हंसा भगवान, आचार्य रजनीश भगवान, ये ढेर ढेर भगवान थे पहले क्या? नहीं थे। 100 साल के अंदर भगवान भी आवाज आई कि भगवान इस सृष्टि पर है, तो झूठे भगवान भी ढेर सारे निकल पड़े और एटम बम भी बन गए। तो भगवान का काम ही है एक तरफ नई दुनिया की स्थापना करना, दूसरी तरफ पुरानी दुनिया का विनाश का सामान इकट्ठा कराना। नई दुनिया की स्थापना होगी, फिर पुरानी दुनिया का एटम बमों से विनाश होगा, फिर जो बचेंगे सुधरे हुए भगवान का ज्ञान लेने वाले उनकी पालना होगी स्वर्ग में। तो ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना, शंकर द्वारा विनाश गाया हुआ है। संदेश तो मिला, संदेश लेने से वो राजा बनेंगे या प्रजा बनेंगे? तो प्रजा बन गए।
आप चाहते हैं उन्हें राजा बना देना, तो आप क्यों इतने ज्यादा दुखी हो रहे हैं कि वो ज्ञान में निकले? पुराना मकान गिरेगा नहीं, पुराना मकान गिरेगा नहीं तो नया मकान बनेगा? पुराना मकान गिराए बगैर नया मकान बनेगा? हाँ तो उन्हें समझा, जो बात आपकी समझ में आ सकती है उनको नहीं समझा सकते? अशुभ कहाँ है? हम तो शुभ बोल रहे हैं कि पुराना मकान गिरने दो, नया मकान बनने दो, ये पाप की दुनिया खलास होने दो, पुण्यात्मों की दुनिया आने दो। हमने शुभ बोला, अशुभ बोला? जब तक दुनिया में पापियों के वाइब्रेशन फैलते रहेंगे तब तक दुख बढ़ेगा या सुख घटेगा? दुख बढ़ेगा, तो दुख बढ़ता जा रहा है। 2500 वर्ष की हिस्ट्री देखो ध्यान से, मनुष्य की मेंटेलिटी लगातार गिरती जा रही है या उठती जा रही है? मेंटेलिटी नीचे गिर रही है, एक दूसरे के प्रति स्नेह सहानुभूति सहयोग की भावना बढ़ रही है या घट रही है? घट रही है। और दिन दूनी रात चौगुनी घट रही है, ये धीमे धीमे घट रही है, मल्टीप्लिकेशन होता चला जा रहा है। जितने भी 10 करोड़ देवी देवता है सब किस प्रकार के हैं, वो सब गुप्त हैं, हम बनने हैं, बन रहे हैं, गुप्त ही तो बन रहे हैं, दुनिया थोड़ी जानती है। दुनिया के सामने ये प्रत्यक्ष हैं, ये गुप्त हैं। इनका पुरुषार्थ गुप्त चल रहा है या प्रत्यक्ष चल रहा है? गुप्त पुरुषार्थ चल रहा है। भारत में 33 करोड़ देवताओं की लिमिट है, यहाँ भी समझाया है कि 9 लाख होते हैं, फिर मल्टीप्लिकेशन। 9 लाख पहले जन्म में होते हैं, 33 करोड़ आखिरी जन्म में होंगे। 33 करोड़ की लिमिट जो है वो आखिरी जन्म में पूरी हो जाती है, फिर 2 करोड़ हो जाएंगे। 2 करोड़ हो जाते हैं सत्युग के अंत में, सत्युग के आदि में 9 लाख, सत्युग के अंत में 2 करोड़, और त्रेता के अंत में 10 करोड़, और कलयुग के अंत में 33 करोड़। दिल्ली पर स्थापना होगा है स्वर्ग? हाँ स्वर्ग है, नई दिल्ली पुरानी दिल्ली है ना? हाँ पुरानी दिल्ली में स्वर्ग स्थापना होगा। पुरानी दिल्ली में पहले भूकंप आएंगे या पहले स्थापना होगी है? पहले पुरानी दिल्ली होती है कि पहले नई दिल्ली होती है? पहले पुरानी होती है, फिर बाद में नई बनती है। नई बनती है क्रिश्चियंस के द्वारा, वहाँ क्रिश्चियंस के द्वारा नई दिल्ली बनती है, यहाँ कृष्ण के द्वारा नई दिल्ली बनती है। संगमी कृष्ण का पार्ट है या नहीं है? तो संगमी कृष्ण का जो पार्ट है वो निमित्त बनता है नई दिल्ली बनाने के। ऐसे नई दिल्ली सारी पत्थरों की बनी हुई है क्या? पत्थर बुद्धि आत्माओं की बात है, ये दुनिया के सबसे बड़े बड़े पत्थर बुद्धि बनते हैं, वो फिर पारस बुद्धि बन जाते हैं, भगवान बनाता है। अच्छा बाबा, एक साधु था ना, उन्होंने बोला कि मतलब पृथ्वी को सुवर्ण में उठा के रखा है, मतलब भक्तिमार्ग में पृथ्वी को, मतलब सुवर्ण ही पृथ्वी को मतलब पृथ्वी के नीचे उठाया जी, इसका मतलब इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ जो सूकर अवतार है वो भगवान का अवतार है या किसी मनुष्य ने अपने को भगवान साबित कर दिया? आज भी तू मुरली में आया, ये साधु सन्यासी जो हैं वो भगवान बन के अपनी पूजा कराते हैं, शिवो हम भगवान बन के बैठ जाते हैं। तो सुअर काय में लौटता है, कीचड़ में लौटता है या शुद्ध पानी में लौटता है? कीचड़ में लौटता है,
सुअर उनको कहा जाता है जो महाकामी होते हैं। वो महाकामी कोई सुकर का अवतार है जो अपने को साबित कर देता है मैं भी भगवान हूं। कैसे भगवान अपने को साबित करता है? पृथ्वी को हमने उठाया, अब पृथ्वी का पार्टी किसका है? हैं? जगदम्बा का। जगदम्बा नीचे गिर गई है कि ऊंची उठी हुई है? नीचे गिर गई। जो जगदम्बा नीचे गिरी हुई है उसे जगदम्बा को ज्ञान सुना करके वो ऊपर उठाता है। तो कथा कहानी बना दी शास्त्रों, पृथ्वी को ऊपर उठाया। पृथ्वी को ऊपर उठाने की बात थोड़ी है, जड़ पृथ्वी की बात थोड़ी है, ये तो चैतन्य पृथ्वी की बात है। यज्ञ के आदि में भी ऊपर उठाया होगा, बेसिक नॉलेज में वो आत्मा होगी कि नहीं होगी? पृथ्वी भी होगी और इस्लाम धर्म की बीज रूप आत्मा भी होगी। सबसे ज्यादा है कौन सा धर्म कामी होता है? इस्लाम धर्म होता है। एडवांस में भी उस आत्मा को उठाने का निमित्त कौन बना होगा? वही आत्मा। और दिखाते हैं सुकरा अवतार पृथ्वी को उठाने के लिए कहां घुस के गया? पृथ्वी को उठाने के लिए कहां गया? पाताल में गया। तो पाताल लोक कौन सा है? अरे स्वर्ग लोक भारत है। पाताल लोक कौन सा है? विदेश, अमेरिका। वो दुनिया के हिसाब से पाताल लोक है, विदेश है। भारत का विदेश कौन सा है? कर्नाटक, दक्षिण भारत। तो वो आत्मा कर्नाटक में गई थी सन 85 में। और कर्नाटक की आत्मा को उठा के ले आई, पाताल में गई। तो दक्षिण भारत पाताल हो गया ना। बाबा ये टाइम में वो कम आया ना, उस टाइम में वो ब्रह्मा कुमारी का कैंडल जला के पूरा क्या हुआ? भूकंप आया था ना बाबा? हाँ भूकंप आया। हाँ ब्रह्म कुमारी ने कैंडल मार्क किया है वो आत्मा शांति। कैंडल मार्क, कैंडल जलाकर प्रदर्शनी की, लेफ्ट मार्च किया है अनुदान देने के लिए। हाँ करके उससे शांति मिल जाती है। आत्मा की ज्योति जगाने से शांति मिलेगी, न कि वो स्थूल कैंडल जाने से शांति मिलेगी। आत्मा का दीपक जलाओ तो शांति मिलेगी। भले भूकंप आए तो क्या करने बैठ जाओ? आत्मिक स्थिति में बैठ जाओ। परमात्मा को याद करना सहज है या आत्मा को याद करना सहज है? हमारी नजदीक कौन है? तो आत्मिक स्थिति में बैठ जाओ। आत्मिक स्थिति जब पक्की हो जाएगी तो बाप अपने आप याद आने लगेगा, मदद मिल जाएगी। दुनिया वालों का भल कितना भी नुकसान होता रहे, तुम्हारा बचाव होगा। कुरान में भी लिखा हुआ है कयामत के समय भगवान के बंदे बड़े मौज में रहेंगे। इस बार
बार भी ज्यादातर देखने में इसे आया बाबा है। इस बार भी जितने भी ईश्वरीय परिवार के थे इतना घबराहट नहीं हुए है। तो बाहर के है इतने ज्यादा घबराहट हुए, घबराहट हो गई। और अंदर वालों को भी अगर कुछ होता है तो समझ लो कहीं ना कहीं लगाओ लगा हुआ। क्यों आनंद भाई, खिचड़ी खाओगे कि लड्डू पेड़ा खाओगे? लड्डू पेड़ा खाओगे, लड्डू पेड़ा खाओगे, लड्डू पेड़ा खाओगे तो किचन मिल जाएगा। किचन गिरे में सर, किचन गिरी ना, ध्यान देना। अच्छा बाबा, हम माउंट आबू तो विनाश के टाइम में सब माउंट आबू जाएंगे। माउंट आबू जाएगा विनाश के टाइम में सब? विनाश के टाइम में माउंट आबू जहाँ भगवान के बच्चों ने तपस्या की है लंबे टाइम तक, भगवान ने जाके यहाँ के पार्ट बजाया है, वो लास्ट तक स्थाई रहेगा कि पहले जाएगा? लास्ट तक स्थाई, तो माउंट आबू रहेगा। लेकिन बाबा फिर राजधानी करने के लिए दिल्ली फिर कैसे आएंगे? दिल्ली में वो आत्माएं आएंगी जिन्होंने विकारों के ऊपर पहले ही विजय पाई हुई है, वो आएंगी विजय वाला की आत्माएं। कन्या माताएं विकारों पर पहले विजय प्राप्त करेंगी। ये दुर्योधन दुशासन पुरुष पहले विजय प्राप्त करेंगे, वो विजय वाला पहले स्वर्ग में पहुंचती है। माता बड़ी खुश हो रही है। दूसरा भैया कोई आएगा? दूसरी बार कब आएगा? भूकंप कब आने वाला है? दोबारा भूकंप कब आएगा? अगला भूकंप कब आएगा? अगला भूकंप आया और सारा उलट पुलट कर गया, अभी तो किचन की और किचन की जगह पूरा मकान ही उलट पुलट कर गया, तो फिर कहाँ भाग के जाओगे? फिर तुम्हारा मान मर्तबा रह जाएगा, ये तो मजबूरी हो गई है। ये तो मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। अभी तो मानो सारा उलट पुलट कर दिया तो फिर सरकार घर भी बना दिया है। अभी तो घर बना हुआ है ना, नया घर बना। अब हम कब जाएंगे माउंट आबू? माउंट आबू कब जाएंगे? अभी कोई छोड़ रहा है? अभी कोई छोड़ रहा है? नहीं छोड़ रहा है। जब जबरदस्ती हो जाएगी, ना घर रहेगा ना घाट रहेगा, ना बाप सहयोगी देगा ना पति सहयोगी देगा, जैसे सन 47 में हुआ था, सात सात तालों के अंदर जिनको बहुत प्यार से रखा हुआ था बांध के कि हम बहुत इनको प्यार करते हैं, हमें नहीं जाने देंगे। फिर जब हिंदुस्तान मुगलों को खून खराबा हुआ, ट्रेनें की ट्रेनें काट डाली गई, तो वो बच्चियों को छोड़ के भाग गए जिनको सात तालों में बंद करके रखा हुआ था, अपनी औरत को सात तालों के अंदर बंद किया हुआ था, वो उसको छोड़ के भाग गए। फिर वो प्यारे कहाँ चले गए? तो ऐसा टाइम आ जाएगा कोई किसी को नहीं पूछेगा, अपनी अपनी परिवारे भागो अपनी जान को बचाओ। अभी तो बाबा लौकिक परिवार भी वो इच्छा करते हैं, हमारा परिवार तो माउंट आबू में जाएंगे। ऐसी स्टेज जब बन जाएगी तो कहाँ जाएंगे? भगवान की शरण में चलो, जो कुछ नहीं है तो वहाँ चलो। फिर वैल्यू क्या रह गई? कुछ नहीं। संसार ने जब ठुकराया तब द्वार तुम्हारे आया, तो उसमें ज्यादा फायदा हो जाएगा? नहीं। पहले से ही हम संसार में ठुकरा दें? हम संसार को ठुकराना चाहिए हम क्यों ठोकर खाएं संसार की? बाबा ये जो क्लास करते हैं और जो रेगुलर क्लास होते हैं वो मासिक संगठन में जा सकते कि नहीं सकते बाबा? वो जो बनी क्या वो आत्मा मासिक संगठन में क्यों नहीं जाना चाहिए? वो जो बहन
इस बार अनाउंस किया था कि मधुबन की बात कर रहे हैं, मधुबन की बात कर रहे हैं, में जो भर्ती नहीं किया आत्मा मधुबन में मन के संबंध में नहीं आ सकते हैं। तो फिर फारुखाबाद में पूछते कितने बार आप माउंट मंत्री संगठन में गया है, वो सब लिख कर देना चाहिए। लेकिन संडे संडे का जो संगठन होता है उसमें तो जाते हैं ना, उसमें भी जाते हैं और कोई मासिक संगठन में भी जाना चाहते हैं जनरल भट्टी ने की वो। हाँ जी, तो पहले तो बाबा का ही संस्कार में भट्टी नहीं किया, नहीं आ सकते थे। और जो मासिक संगठन होता है ना, हाँ जी, उसमें सारा परिवार इकट्ठा होता है। हाँ जी, कुछ फैसले लिए जाते हैं। हाँ जी, तो जो नए नए हैं जिन्होंने भट्टी नहीं की है, हाँ जी, उनका तो अभी परिवार ही नहीं बना, तो पारिवारिक जो फैसले होते हैं उसमें क्यों भाग लेना चाहिए उन्हें। फिर वो जो संगठन में कितने बार लिया है वो, हाँ तो संडे संडे के जो क्लास होते हैं उसमें जाएं। अच्छा, संडे के जा सकते हैं, मासिक में नहीं जा सकते। हाँ, मासिक संगठन में पहले तो हम ले जाते थे, फिर ये बारे पहले तो हम ले जाते थे ना। हाँ, जो ब्रह्म कुमारी वगैरह से जो क्लास करते हैं उसका बाकी संडे संडे की क्लास में ले जाओ। अच्छा, मासिक में नहीं ले? मासिक संगठन में सब लोग इकट्ठे होते हैं जी, कुछ नई बातें अपनी कहते हैं, सुनते हैं। अब जो भट्टी नहीं की है, परिवार के सदस्य नहीं बने होते हैं, कोई लगाव नहीं है उनको जी, तो हमारी अंदरूनी बातें वो क्यों सुने। बाबा, ये ब्रह्म कुमारी लोग हमारे ऊपर इतने हमला करते रहना चाहिए या हम ही उसके कुछ हमला करना चाहिए? ब्रह्म कुमारी हमके पीछे ऐसे हमला करते रहे, हम चुपचाप बैठे। आप अपने पूर्व जन्मों को भूल जाते हैं, उसको ऐसे अगर पूर्व जन्मों को याद रखें। हाँ जी, और पूर्व जन्म में जब हम राजा बने थे तो हमने क्या क्या कर्म किए थे वो याद रखें, तो बदला लेने की बात रहेगी या चुकतू करने की बात रहेगी? लेकिन इनका मनोबल और बढ़ जाते हैं ना। कुछ नहीं बढ़ जाता है। अच्छा, वो अपना हिसाब किताब चुकतू कर रहे हैं। क्या हिसाब किताब ऐसे समझना चाहिए? हमें समझना चाहिए, मान लो हम उनके आश्रम में गए और उन्होंने हमें कान पकड़ के मार पीट के निकाल दिया, तो हमें समझना चाहिए कि हम थे बड़े राजा, क्या बड़े राज्य के मालिक थे। हमने इनको अपने राज्य से ही सीमा से बाहर निकाल दिया था, घर परिवार से। वो हिसाब किताब इन्होंने पूरा कर लिया, इन्होंने अपने मकान की चौहत्ती से हमको बाहर कर दिया, तो ज्यादा फायदे में कौन रहा? हमारा हिसाब किताब पूरा हो रहा है, हमारे 63 जन्मों का हिसाब किताब पूरा हो जाएगा, हमारी आत्मा संपन्न बन जाएगी, तो हमें कोई दुख नहीं देगा। हमारे सुख दुख का हिसाब किताब अभी पूरा हो रहा है, इसलिए तो बाबा ने कहा अखबार वाले भौंकते हैं, ग्लानी करते हैं, तुम कुछ भी न करो। ऐसे छोड़ दे, कुछ नहीं तो तुम कहोगे अरे हम कुछ भी नहीं करेंगे तो ये तो और भौंकते रहेंगे, भोगना तो ग्लानी चिपक जाती है क्या? कोई गाली देता है वो गाली हमको चिपक जाती है? नहीं चिपकती। ऐसा ज्यादा बाबा के ऊपर ऐसा ग्लानी कर देते तो क्या बाबा को क्या मुसीबत आ रही है? हम बच्चे को आते हैं ना, क्यों आती है मुसीबत? तो देहभान हुआ ना, जब बाबा को देहभान नहीं है तो बच्चों को देहभान क्यों होना चाहिए कि हमको गाली दे दी, ग्लानी कर दी, हमसे बच्चा हमारी बड़ी नाक को छोटा कर दिया नाक मार दी, जबकि बाबा तो आज भी मुरली में कहा तंग करेंगे, अपमान करेंगे, करने दो। अच्छा बाबा, जितने भी ग्लानी सहन करते करते जब आत्मा संपन्न हो जाएंगे तो मतलब गाली खाना नहीं पड़ेगा ना, तो फिर बोलते हैं कि फिर अंत समय में और भी जास्ती हम लोगों को गाली सहन करना पड़ता है। अंत समय कौन सा होता है? आने वाले दिन। अंत समय माने देह अभिमान का अंत समय, हमारे जीते जी मरने का समय, वो ही हमारा अंत समय। फिर तो नई दुनिया आ गई, जब नई दुनिया के संगठन में हम पहुंच जाएंगे फिर हमारा सुख का टाइम शुरू होगा, सुख की दुनिया शुरू हो जाएगी, ये दुख की दुनिया शुरू होगी, तो सुख की दुनिया शुरू हो जाएगी। लोग कहते हैं कि और आने वाले दिन में तो और भी ग्लानी सहन करनी। हाँ, अगर देवहन है तो ग्लानी सहन करनी। ग्लानी चिपकती कब है? कोई गाली देता है वो गाली हमको कब चिपक जाती है? देह अभिमान है तो चिपक जाती है। ग्लानी के समय और भी जास्ती आने वाले हैं। अरे ग्लानी ज्ञानी हो कि नहीं?
ज्ञानी ग्लानी को गले लगाएगा या ग्लानी से घृणा करेगा? जितनी ग्लानी हो उतना अच्छा, हमारे पाप कट रहे, घर बैठे बैठे पाप कर रहे, तो अच्छी बात है या खराब बात? कोई हमें पुरुषार्थ नहीं करना पड़ रहा है। बाबा मनसा सेवा कैसे करेंगे? एक आत्मा को सपोज हम देंगे, मनसा सेवा करेंगे कैसा करेंगे? वो आत्मा को पहले वो मनसा सेवा तब करेंगे जब हमारी मनसा एकाग्र हो जाए। हमारी मनसा हेल्थी दुखती है तो सेवा कहां से करेंगे? तब तक हम वाचा सेवा करें, कर्मणा सेवा करें। कर्मणा कैसे करेंगे सेवा? अरे जो आश्रम में ये सेवा हो रही है वो ईश्वरीय सेवा हो रही है या दुनियावी सेवा हो रही है? फरक्काबाद में हमले हो रहे हैं, लेकिन फरक्काबाद के अंदर जो रहने वाले हैं वो सेवा में लगे हुए हैं या डिसर्विस में लगे हुए हैं? तो वहां जाके सेवा करेंगे तो अभी है तो कठिन बात, लेकिन वहां जाके सेवा करेंगे तो सेवा होगी या नहीं होगी? जो आज हमारी ग्लानी करते हैं वो कल हमारा गायन करेंगे। ओम शांति।